हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्चर जस्नो। सो आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे। आज है डे वन फॉर द आर्ट जर्नल, तो आपने अपनी जो जर्नल है वो निकाल ली होगी। आपको पता है आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायरी फॉर माय जर्नल। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने इसको जब ओपन करेंगे आप देखेंगे पेजेस में शाइन है। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ग्लिटर है बिकॉज दिस इज अ रियली नाइस हैंडमेड शीट इसमें यूज हुई है। सो आई विल बी डूइंग ऑन दिस डायरी। चाहिए फर्स्ट पेज के लिए जो मैंने प्लान किया है वो ये है कि मैं अपने नेम का जो इनिशियल फर्स्ट लेटर है उसको डूडल करने वाली हूँ। सो डूडलिंग के लिए आई विल बी यूजिंग दीज परमानेंट मार्कर्स जो HP मार्कर्स होते हैं। आई एम यूजिंग येलो कलर। येलो कलर आप देखेंगे दो डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा व्हाइट मिक्स कर लिया है, इसमें नहीं किया है फॉर द बैकग्राउंड। अब इसमें आप कस्टमाइजेशन ये कर सकते हैं कि आप अपना फेवरेट कलर ले सकते हैं एंड ऑफ कोर्स मार्कर्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेटर तो आप ही का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो होगा। तो आई विल बी डूइंग दिस ऑन दिस शीट। सबसे पहला काम जो करेंगे वो इसके ऊपर हमें पेंट करना है। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रश से पेंट कर सकते हैं बट आई हैव डिसाइड टू डू इट बाय अ स्पॉन्ज क्योंकि मेरे को जो स्पॉन्ज वाला इफेक्ट आता है वो चाहिए इसके अंदर। एंड ये लाइट एंड डार्क रखने का रीजन है कि इसमें ग्रेडियंट बहुत अच्छा आए। सो सबसे पहला स्टेप है कि इस पूरे पेज को मैं अच्छे से पेंट कर दूंगी यूजिंग दिस स्पॉन्ज एंड लाइट डार्क को पहले पूरे पे लाइट करूंगी। डार्क में बहुत कम जगह पे बीच बीच में उसका टोन दूंगी। इफ यू वॉन्ट आप डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं बट टू स्टार्ट विद आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद वन। सो ये मैंने इसका जो बेस है वो पेंट कर दिया है। Now I'll wait for this to dry and उसके बाद में using a pencil हम इस पे alphabet लिखेंगे and then we'll start doodling. So now this is completely dried. अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले pencil से एक rough figure बना लेंगे उसके बाद में using these markers हम doodle करेंगे. So थोड़ा सा आपको doodling के बारे में बता देती हूँ। Doodling में आप कोई भी चीज repeat कर सकते हैं, कुछ भी डिजाइन abstract जा सकता है, आपको बिल्कुल भी सोच के नहीं बनाना पड़ता है। So anything but it should be completely filled. तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आप अपने फिगर गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपने अल्फाबेट्स। मैं इसको सिंपल जेब बनाऊंगी। आई वांट टू गिव इट अ लिटिल मोर स्पेस ताकि मैं ज्यादा डूडलिंग कर सकूं। सो आई जस्ट मेक दैट पहले पेंसिल से रफ एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग विद द मार्कर्स।
सो ये हमारा फर्स्ट पेज ऑलरेडी रेडी हो गया है. डूडलिंग आपको इनिशियली थोड़ी सी हो सकता है टफ लगे बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू कम्प्लीट इट, बट आप देख सकते हैं बिल्कुल रैंडम डिजाइन से आपको इसको कम्प्लीट करना है, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है. एंड प्रॉपर डूडलिंग की 30 डेज की सीरीज आफ्टर दिस 30 डेज चैलेंज हम इस चैनल पे करेंगे, तो जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. तो फटाफट से अपना पेज 1 कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि कल आपके लिए लेके आऊंगी पेज 2 व्हिच इज गोइंग टू बी लिटिल मोर इजीियर देन व्हाट वी हैव डन टुडे. फॉर नाउ दिस इज आरजे जिसनूर साइनिंग आउट. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप बाकी जो कमिंग वीडियोस है उनको जरूर देख पाएं एंड अपना आर्ट जर्नल कंप्लीट कर सकें.